हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक जो क्वेश्चन से उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.1 में जितना भी प्रॉब्लम्स है सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप लोगों को ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज 7.2 में जितना भी प्रॉब्लम्स है सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करना पड़ेगा। अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये है क्या, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स, इसको हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे। आप कैसे करेंगे, यहां पर देखिए दो फंक्शन है, एक तो है आपका लॉग एक्स और दूसरा है आपका वन बाई एक्स, एक तो है आपका लॉग एक्स और दूसरा है आपका वन बाई एक्स। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये जो सब्स्टिट्यूशन वर्ड है इससे हम लोगों को पता चल रहा है हम लोगों को कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। आप क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अभी यहां पर देखिए इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग यहां पर, हम लोगों को पता चल गया यहां पर दो फंक्शन है, एक तो है आपका लॉग एक्स और दूसरा है आपका वन बाई एक्स। यहां पर देखिए हम लोग इन दोनों फंक्शन में से एक को हम लोग टी नाम देंगे, उसको हम लोग टी नाम देंगे जिसका डेरिवेटिव यहां पर प्रेजेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है आपका वन बाई एक्स। तो देखिए यहां पर वन बाई एक्स तो प्रेजेंट है, मैंने आपको क्या बताया उसको हम लोग टी नाम देंगे जिसका डेरिवेटिव यहां पर प्रेजेंट है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स तो यहां पर प्रेजेंट है, दैट मींस इसको करने के लिए हम लोग लॉग एक्स को टी नाम देंगे। तो यहां पर हम लोगों ने लॉग एक्स को टी नाम दे दिया। अभी यहां पर बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डी टी डी एक्स और राइट साइड में डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा आपका वन बाई एक्स। सो दिस इंप्लाइज अभी यहां पर क्रॉस करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वन बाई एक्स डी एक्स। अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स को हम लोगों ने टी नाम दिया था तो टी हो गया इन टू डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स यहां से क्या मिल रहा है डी टी, तो इन टू में हम लोगों ने डी टी लिख लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी क्या होगा, टी मतलब टी टू दी पावर वन, तो टी टू दी पावर वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर वन प्लस वन मतलब टी टू दी पावर टू डिवाइडेड बाई वन प्लस वन मतलब टू प्लस सी। अब टी टी हम लोगों ने लॉग एक्स को टी नाम दिया था तो लॉग एक्स यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। मेरे ख्याल से यहां पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैसे यूज करेंगे यह आप लोगों को समझ में आया होगा, बाकी और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा जब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैंने यहां पर कंसिडर इसीलिए किया ताकि जस्ट मैं इस मेथड को समझाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 7.1 को शुरू करने से पहले जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था उन सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और साथ में ये जो चार फॉर्मूला है इन चारों फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। इन चारों फॉर्मूला का प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा, इन चारों फॉर्मूला को आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, 7.1 को शुरू करने से पहले जो फॉर्मूला दिया था उनको भी याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स होता है आपका लॉग ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होता है आपका लॉग ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है आपका log ऑफ sec x प्लस tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x होता है आपका log ऑफ cosec x माइनस cot x। तो इन चारों फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। चलिए अभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर वन में यहां पर हम लोगों को दिया गया है ट्वाइस एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर दो फंक्शन है, एक तो है आपका ट्वाइस एक्स और दूसरा है आपका वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर।
अब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान सकते हैं या सिर्फ आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी एक फंक्शन मान सकते हैं, ठीक है। अभी यहां पर देखिए, अगर हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t नाम देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आता है देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x जब हम लोग करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx और राइट साइड में हो जाएगा आपका ddx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n होता है आपका n x टू द पावर n माइनस 1, पावर सामने आ जाता है और पावर से एक घटता है। तो इसी तरह यहां पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा और पावर से एक घटेगा मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 2x, तो देखिए यहां पर 2x आ गया। तो फाइनली यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x, तो देखिए यहां पर न्यूमरेटर में 2x प्रेजेंट है, तो न्यूमरेटर में 2x प्रेजेंट है, इसीलिए यहां पर डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था इसको हम लोगों ने टी नाम दिया था, इसको हम लोगों ने टी नाम दिया, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में जो प्रेजेंट है ये यहां पर हमको मिल गया। तो अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 2x dx। देखिए यहां पर dt dx, तो अभी यहां पर आप क्रॉस करेंगे तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x dx। तो 2x dx का वैल्यू क्या है, 2x dx का वैल्यू है आपका dt और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने t नाम दे दिया तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका t, दिस इज इक्वल टू। अभी यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx होता है आपका log ऑफ मोडुलस x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डीटी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डीटी हो जाएगा आपका log ऑफ मोडुलस t प्लस सी, दिस इज इक्वल टू log ऑफ मोडुलस t, t मतलब t हम लोगों ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नाम दिया था तो log ऑफ मोडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहां पर आप कॉमा देके लिखेंगे व्हेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम लोग यहां पर एक्सपर्ट होंगे, ये हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, धीरे धीरे जब हम लोग एक्सपर्ट होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, आप यहां पर सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में तो हम तो सॉल्व कर लिया, 2 में यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स डीएक्स, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जस्ट मैंने जब कंसेप्ट को समझाया उस टाइम में मैंने log x बाई एक्स कंसिडर किया था, यहां पर देखिए log x होल स्क्वायर बाई एक्स दिया है तो log x को हम लोग t नाम देंगे, होल स्क्वायर को नहीं सिर्फ log x को, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पुट t इक्वल टू log x, सिर्फ log x को हम लोग यहां पर t नाम दे रहे हैं। अभी यहां पर बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में है आपका हो जाएगा dt dx और राइट साइड में डेरिवेटिव ऑफ log x हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स। तो इसमें आइए, दिस इज इक्वल टू log x को हम लोगों ने t नाम दिया था तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर और dx बाई एक्स, तो यहां पर देखिए अगर आप क्रॉस करेंगे तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dx इंटू 1 dx डिवाइडेड बाई x, तो dx बाई एक्स क्या हो रहा है dt, तो t स्क्वायर इंटू dt, दिस इज इक्वल टू अब t स्क्वायर dt, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t टू द पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मतलब 3 प्लस सी। अब t हम लोगों ने log x को t नाम दिया था तो ये हो जाएगा आपका log x होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, कॉमा देके यहां पर आप लिख लीजिएगा व्हेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, हम लोगों को दिया गया है 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डीएक्स। अभी इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए पहले तो देखिए डिनोमिनेटर में ऊपर में तो डीएक्स इंटू 1 डीएक्स हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर में देखिए एक्स कॉमन आ रहा है तो यहां पर हम लोगों ने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन लेने के बाद देखिए यहां पर रहेगा आपका 1 देन प्लस, यहां पर एक्स कॉमन लेने के बाद यहां पर रह रहा है आपका लॉग एक्स, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट यहां पर ये जो 1 प्लस log x है, 1 बाई नहीं सिर्फ डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस log x है, x को छोड़ के सिर्फ 1 प्लस log x जो है इसको हम लोग t नाम देंगे, पुट टू पुट हम लोगों ने क्या करे, हम लोगों ने क्या किया, 1 प्लस log x को हम लोगों ने t नाम दे दिया, सो पुट t इक्वल टू 1 प्लस log x। अभी देखिए इसको जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो इसको डेरिवेटिव करने के बाद देखिए जो 1 बाई एक्स यहां पर प्रेजेंट है ना, ये 1 बाई एक्स यहां पर मिलेगा। अभी इसको डेरिवेटिव करते हैं, चलिए सो डिफरेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डी टी डी एक्स, और राइट साइड में हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वन प्लस लॉग एक्स। अभी डेरिवेटिव यहां पर हम लोग सेपरेट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वन देन प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। डी डी एक्स ऑफ वन क्या हो जाएगा जीरो, देन प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा वन बाई एक्स। तो फाइनली यहां पर देखिए हम लोगों को क्या मिला है, हम लोगों को मिला है डी टी डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, डी टी डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। यहां पर अगर आप क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स इंटू वन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, देखिए यहां पर डी एक्स बाई एक्स क्या हो रहा है डी टी, तो ऊपर में हो जाएगा आपका डी टी, और नीचे वन प्लस लॉग एक्स को हम लोगों ने टी नाम दिया है, तो नीचे हो जाएगा आपका टी। अब इंटीग्रेशन डी टी बाई टी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी होता है आपका लॉग ऑफ मोडुलस टी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोडुलस टी, टी हम लोगों ने वन प्लस लॉग एक्स को टी नाम दिया है, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का कंप्लीट सोल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर थ्री का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, तो चलिए मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर में यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। अभी इसको हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप साइन एक्स को टी नाम देंगे, ये जो साइन एक्स है इस साइन एक्स को टी नाम देंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स है, यहां पर कॉस एक्स आप देख के साइन एक्स को टी नाम दे दिया। अब साइन एक्स को टी नाम देने के बाद कॉस एक्स तो उसका डेरिवेटिव आएगा, पर ये कॉस एक्स देखिए साइन के अंदर है, साइन ऑफ कॉस एक्स है, तो इस साइन एक्स को टी नाम देने के बाद इसको आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो कॉस एक्स है ये साइन ऑफ कॉस एक्स है, तो साइन एक्स को टी नाम देके आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस कोसेक्स को साइन ऑफ कोसेक्स जो है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का हम लोग सिर्फ कोसेक्स को टी नाम देंगे। हालांकि कोसेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स से आएगा, तो माइनस को हम लोग यहां पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोसेक्स को टी नाम देंगे, तो पुट टी इक्वल टू कोसेक्स। अभी बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डी टी डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, और लेफ्ट साइड में है हमारा डी टी डी एक्स। इसको अगर हम लोग और एक लाइन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये जो साइन एक्स इंटू डी एक्स है इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी टी, तो मैं यहां पर लास्ट में लिखूंगा, माइनस डी टी को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, पहले नहीं, इसको लास्ट में लिखेंगे, डी टी ऑपरेटर को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, और रह गया है साइन ऑफ कोसेक्स, कोसेक्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, टी नाम दिया है, तो साइन ऑफ टी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू। अब इस माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी होता है आपका माइनस कॉस टी प्लस सी। अब माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस कॉस ऑफ टी, टी मतलब क्या, टी मतलब कॉस एक्स, तो यहां पर हो जाएगा आपका कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, कॉमा देके यहां पर आप लिख लीजिएगा व्हेयर सी इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर फोर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में यहां पर हम लोगों को दिया गया है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो चलिए मैं क्वेश्चन को पहले तो लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप या तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को आप टी नाम दे सकते हैं, या फिर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी नाम दे सकते हैं। इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, और इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। तो इस क्वेश्चन को दो सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके कर सकते हैं, आइदर आप साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी नाम देंगे देके कर सकते हैं, या फिर आप कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी नाम देके भी कर सकते हैं। मैं यहां पर इसको करने के लिए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी नाम दूंगा, ठीक है, तो मैं यहां पर देता हूं साइन ऑफ
एक्स प्लस बी को मैंने टी नाम दे दिया। अभी यहां पर बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डी टी डी एक्स और राइट साइड में हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जब डेरिवेटिव करेंगे तो मिस्टेक करेंगे। अभी इसको डेरिवेटिव कैसे करना है, इसको आप एक्स मान ले तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है आपका कॉस एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस बी, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी हो गया। अभी ये तो एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव दोबारा से इसका डेरिवेटिव करना है, मतलब डी डी एक्स ऑफ आपको करना है एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। अभी यहां पर डेरिवेटिव आप सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स देन प्लस डी डी एक्स ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू इनटू यहां पर देखिए एक कॉन्स्टेंट है तो ये तो बाहर आ गया, रह गया है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा वन, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी, बी तो कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है, तो फाइनली यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा ए, तो फाइनली यहां पर डेरिवेटिव करने के बाद मिला है ए इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। अभी देखिए डेरिवेटिव तो ऑलरेडी आपने कर लिया तो यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आप डायरेक्टली इस लाइन से इस लाइन को लिख सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर इस लाइन से ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन से अगर आप डायरेक्टली इस लाइन को लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई आपका मार्क नहीं कटेगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। मैंने यहां पर समझाने के लिए सारे स्टेपों को अच्छी तरह से लिखा है। तो ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, ये आपका डी टी डी एक्स का वैल्यू है। तो अभी इसमें आइए देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी को हम लोगों ने टी नाम दिया है तो इसको हम लोग टी दे देंगे और कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो यहां पर आप क्रॉस करेंगे, देखिए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स क्या होगा, ए को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो वन बाई ए डी टी हो जाएगा, तो यहां पर ये हो गया आपका वन बाई ए डी टी। अभी वन बाई ए कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ गया, अंदर रह गया है आपका टी डी टी, दिस इज इक्वल टू वन बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी ऑफ टी हो जाएगा आपका टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। तो फाइनली यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, वन बाई ट्वाइस ए और टी टी हम लोगों ने किसको नाम दिया है साइन ऑफ एक्स प्लस बी, तो साइन ऑफ एक्स प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस बी को, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए यहां पर ये जो एक्स प्लस बी है इसको हम लोग कुछ नाम देंगे, तो हम लोग यहां पर टी इक्वल टू नाम दे देंगे पुट टी इक्वल टू एक्स प्लस बी। अभी बोथ साइड यहां पर डिफरेंशिएटिंग करेंगे टू डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डी टी डी एक्स और राइट साइड में हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी डिटेल्स करा है, ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी से अल्टीमेटली क्या आएगा, एक्स प्लस बी का जब डेरिवेटिव करेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर ए आएगा और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में ही हमारा डी टी डी एक्स। अभी यहां पर आइए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ, इसको हम लोगों ने टी माना था तो रूट ओवर ऑफ टी इंटू डी एक्स, तो डी एक्स यहां पर क्रॉस करेंगे तो डी एक्स क्या हो जाएगा, ए लेफ्ट साइड में आएगा मतलब वन बाई ए डी टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई ए डी टी, दिस इज इक्वल टू, अब वन बाई ए कॉन्स्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर लेके आएंगे तो अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी मतलब टी टू द पावर हाफ डी टी, दिस इज इक्वल टू वन बाई ए, तो टी टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन आपका होगा आपका टी टू द पावर हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई हाफ प्लस वन प्लस सी, दिस इज इक्वल टू वन बाई ए इंटू टी टू द पावर हाफ प्लस वन मतलब टी टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू प्लस सी। अब नीचे जो थ्री बाई टू है इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू बाई थ्री मतलब टू इंटू वन टू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू ए थ्राइस ए, और टी का वैल्यू पुट करेंगे टी मतलब एक्स प्लस बी, तो यहां पर हम लोग एक्स प्लस बी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी
टू दी पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन करना है एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 2 को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 2 डीएक्स, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पर इसको करने के लिए हम लोग ये जो एक्स प्लस 2 है, ये जो रूट के अंदर एक्स प्लस 2 है, इसको हम लोग टी नाम देंगे। सो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पुट टी इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी यहां पर देखिए जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ये क्वेश्चन आपको आसान लग जाए, आपको आसान लगेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसान लगेगा, देखते ही आप यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डी टी डी एक्स, और राइट साइड में हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2। दिस इज इक्वल टू, अब डी डी एक्स ऑफ यहां पर सेपरेट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा आपका 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ 2 हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ 2 हो जाएगा 0। तो फाइनली यहां पर क्या आया है, 1 आया है। अभी यहां पर आइए इंटीग्रेशन, इसको हम लोगों ने रूट ओवर ऑफ ये जो एक्स प्लस 2 है इसको हम लोगों ने टी माना था, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ टी इंटू इंटू यहां पर देखिए डेरिवेटिव करने के बाद 1 आया है। यहां पर ये जो x है, x को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, x देखिए x को रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं, देखिए x क्या होगा t माइनस 2। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे t माइनस 2 और dx रह गया है। तो ये जो 1 जो है ये किसका वैल्यू है, ये dt dx का वैल्यू है। तो यहां पर क्रॉस करेंगे तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे dt। अभी यहां पर हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट टी इंटू टी, तो यह हो जाएगा आपका रूट टी इंटू टी देन माइनस 2 इंटू रूट टी होल ब्रैकेट dt। अभी यहां पर इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए t टू द पावर हाफ इंटू t टू द पावर 1 मतलब t टू द पावर, ये क्या हो जाएगा देखिए t टू द पावर हाफ इंटू t टू द पावर 1 मतलब t टू द पावर हाफ प्लस 1, तो अल्टीमेटली ये t टू द पावर 3/2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ये हो गया आपका t टू द पावर 3/2 dt देन माइनस इंटीग्रेशन 2 रूट टी, तो रूट टी को हम लोग लिख लेंगे टी टू द पावर हाफ dt। दिस इज इक्वल टू अभी इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 3/2, तो टी टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 देन माइनस 2, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो अंदर रह रहा है आपका टी टू द पावर हाफ। टी टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी टू द पावर हाफ प्लस 1 टी टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस सी, यहां पर आप लोग दे देंगे। दिस इज इक्वल टू अब देखिए ऊपर में टी टू दी पावर 3/2 प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा टी टू दी पावर 5/2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 5/2 देन माइनस 2 इंटू टी टू दी पावर हाफ प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3/2 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, ये भी हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस सी दे देंगे। दिस इज इक्वल टू अब 5/2 नीचे जो 5/2 है इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/5 और इंटू में हो जाएगा आपका टी टू दी पावर 5/2 देन माइनस 2 इंटू अब नीचे जो 3/2 है इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज इक्वल टू 2/5 अब टी देखिए टी हम लोगों ने एक्स प्लस 2 को टी दिया है तो यहां पर हम लोग एक्स प्लस 2 पुट कर लेंगे तो एक्स प्लस 2 टू द पावर 5/2 देन माइनस 4/3 इंटू एक्स प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो यहां पर हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए ये जो 1 प्लस 2x स्क्वायर है इसको हम लोग t नाम देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर। अभी देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो x है ये x हम लोग यहां पर लेके आ जाएंगे। तो अभी यहां पर बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx और राइट साइड में हो जाएगा आपका dt dx ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। अभी यहां पर डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 1, 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा आपका 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर। अब 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया, रह गया है आपका डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता है आपका 2x,
तो फाइनली यहां पर 2 इंटू 2 मतलब फाइनली यहां पर आया है आपका 4x, और 4x किसका वैल्यू है, 4x आपका dt dx का वैल्यू है। तो यहां से देखिए हम लोग यहां से हम लोग लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू 4x dx। अब यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको रूट ओवर ऑफ 1 + 2x² को हम लोगों ने टी नाम दिया है, तो रूट ओवर ऑफ टी हो गया इंटू एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां से एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका dt/4। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे dt/4। अब ये जो 1/4 है ये कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर लेके जाएंगे, कॉन्स्टेंट बाहर लेके आ गया, अंदर रह रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ √t dt, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन। रूट टी को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट टी को हम लोग लिखेंगे t^2 dt, दिस इज इक्वल टू 1/4। अब t^2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t^2 का इंटीग्रेशन होगा आपका t^2+1 ÷ 1/2 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1/4 t^2+1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t^3/2 ÷ 3/2 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1/4। अब 3/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 इंटू टी, टी मतलब क्या, 1 + 2x², तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2x² ÷ 3/2 प्लस सी। अभी यहां पर देखिए 2 से इसको काटेंगे तो फाइनली यहां पर आ जाएगा आपका 1/6 1 + 2x² ÷ 3/2 प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 4x + 2 इंटू √x² + x + 1, इसको हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। दिया गया है देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 इंटू √x² + x + 1 dx। अभी इसको कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू, यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका 2x + 1, और इंटू यहां पर हम लोग लिखेंगे x² + x + 1 dx। अभी ये जो रूट ओवर के अंदर जो x² + x + 1 है इसको हम लोग t नाम देंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे put t equal to x² + x + 1। अभी बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx, और राइट साइड में हो जाएगा आपका ddx of x² + x + 1। अभी यहां पर देखिए डेरिवेटिव का हम लोग सेपरेट करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ x² क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x² हो जाएगा आपका 2x, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 कॉन्स्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा आपका 0। तो फाइनली यहां पर क्या आया है, यहां पर आया है आपका 2x + 1, और ये 2x + 1 किसका वैल्यू है, ये 2x + 1 आपका dt dx का वैल्यू है। अभी यहां पर आइए, 2 कॉन्स्टेंट है, ये 2 को हम लोग बाहर लेके आएंगे, तो 2 को बाहर लेके आ गया, √ ये जो x² + x + 1 है ये किसका वैल्यू है, इसको हम लोगों ने t नाम दिया है, तो ये हो जाएगा आपका √t, और 2x + 1 इंटू dx, देखिए 2x + 1 और dx को क्रॉस करेंगे तो 2x + 1 इंटू dx क्या हो जाएगा dt, तो यहां पर हम लोगों ने dt लिख लिया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन। √t को हम लोग क्या लिखेंगे, √t को हम लोग लिखेंगे t^2 dt, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन t^2 को का इंटीग्रेशन क्या होगा, t^2+1 ÷ 1/2 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू t^2+1, ये हो जाएगा आपका t^3/2 ÷ 1/2 ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 2। अब नीचे जो 3/2 है इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3, और t का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, t का वैल्यू क्या है x² + x + 1, तो इसको हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + x + 1 ÷ 3/2 प्लस सी। तो फाइनली 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 ÷ 3 x² + x + 1 ÷ 3/2 प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए 1/x - √x, इसको हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं।
तो यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है नंबर 10 में 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस रूट एक्स डीएक्स, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू डीएक्स, तो ये तो डीएक्स हो जाएगा। और नीचे देखिए इस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रूट ओवर ऑफ एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स देन माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर में डीएक्स। और नीचे अभी देखिए रूट एक्स को हम लोग कॉमन लेंगे, तो रूट एक्स यहां पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा आपका रूट एक्स देन माइनस रूट एक्स को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो माइनस यहां पर रहेगा आपका वन। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखिए ये जो रूट एक्स माइनस वन है इसको हम लोग टी नाम देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग टी पुट करेंगे, पुट टी इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। तो नेक्स्ट यहां पर डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डी टी डी एक्स और राइट साइड में हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वन। अभी यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ वन, डेरिवेटिव ऑफ वन क्या हो जाएगा जीरो। अभी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कैसे करेंगे, देखिए मैं यहां पर पूरा लेंथी मेथड से आपको करा रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स मतलब एक्स टू दी पावर हाफ। अब एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू दी पावर एन होता है आपका एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, पावर सामने आ जाता है और पावर से घटता है। तो इसी तरह यहां पर हाफ यहां पर सामने आ जाएगा और एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर हाफ माइनस वन हो जाएगा। तो फाइनली यहां पर क्या होगा, हाफ इंटू एक्स टू दी पावर हाफ माइनस वन मतलब एक्स टू दी पावर माइनस हाफ। तो फाइनली यहां पर देखिए वन बाई टू और एक्स टू दी पावर माइनस हाफ को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर हाफ, और एक्स टू दी पावर हाफ का हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है आपका वन बाई टू रूट एक्स। अभी इस लाइन से आप इस लाइन को डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है, अभी इस लाइन से इस लाइन को आप डायरेक्टली लिखेंगे और इसको याद रख लीजिएगा। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है आपका वन बाई टू रूट एक्स, इसको आप याद रख लीजिएगा, आगे जाके भी हम लोगों को काम में आने वाला है। अब ये जो देखिए वन बाई रूट एक्स यहां पर देखिए प्रेजेंट है, तो ये जो टू को हम लोग तो क्रॉस कर लेंगे, बाकी वन बाई रूट एक्स तो यहां पर है, तो इसीलिए ही यहां पर हम लोगों ने रूट एक्स माइनस वन को टी नाम दिया है। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखिए पहले तो रूट एक्स माइनस वन को हम लोगों ने टी दे दिया, अब डीएक्स बाई रूट एक्स, तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, यहां पर लेफ्ट साइड में है आपका डी टी डीएक्स। अब क्रॉस करेंगे तो डीएक्स बाई रूट एक्स टू को इसको इस साइड में क्रॉस करेंगे तो टू डी टी हो जाएगा। सो टू डी टी इज इक्वल टू डीएक्स बाई रूट एक्स, मतलब डीएक्स बाई रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएक्स बाई रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं टू डी टी। अब टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, अंदर रह रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉडुलस टी प्लस सी। अभी टी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टू लॉग ऑफ टी, टी मतलब है आपका रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है एक्स बाई रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस फोर को, तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर डीएक्स, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस फोर को टी नाम देंगे। सो यहां पर हम लोग नाम दे देंगे पुट टी इक्वल टू एक्स प्लस फोर, तो पुट टी इक्वल टू एक्स प्लस फोर। तो नेक्स्ट इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डी टी डी एक्स और राइट साइड में हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फोर। अभी डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस फोर देखिए यहां पर सेपरेट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा आपका वन प्लस डी डी एक्स ऑफ फोर, फोर कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका जीरो। तो फाइनली यहां पर देखिए डी टी डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, डी टी डी एक्स का वैल्यू आया है आपका वन। अभी यहां पर आइए, यहां पर देखिए नीचे रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर को हम लोगों ने टी नाम दिया है तो नीचे हो गया आपका रूट ओवर ऑफ टी। ऊपर में देखिए एक्स, एक्स को यहां पर हम लोग चेंज कर लेंगे, एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं हम लोग टी माइनस फोर, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे टी माइनस फोर। और डीएक्स यहां पर देखिए डीएक्स इंटू वन मतलब डीएक्स, और डीएक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा डीटी, तो यहां पर डीएक्स को चेंज करके हम लोग डीटी लिख लेंगे। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर हम लोग सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे मतलब टी बाई रूट टी देन माइनस फोर बाई रूट टी और होल ब्रैकेट डीटी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अभी सेपरेट कर लेंगे
टी बाई रूटी, टी बाई रूटी मतलब टी टू द पावर वन डिवाइडेड बाई टी टू द पावर हाफ। अभी ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला होता था आपका ए टू द पावर एम माइनस एन। तो इस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्टली लगाएंगे। तो चलिए और एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, टी टू द पावर वन डिवाइडेड बाई टी टू द पावर हाफ, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया, देन माइनस फोर इंटीग्रेशन ऑफ फोर, और टी टू द पावर नीचे जो टी टू द पावर हाफ है इसको हम लोग ऊपर में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस हाफ टी टी। दिस इज इक्वल टू, अभी इसको इसमें हम लोग लॉ ऑफ इंडेक्स लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा टी टू द पावर वन माइनस वन बाई टू डी टी, देन माइनस फोर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, और टी टू द पावर माइनस हाफ, टी टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस वन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं यहां पर कर लेता हूं टी टू द पावर वन माइनस हाफ, तो टी टू द पावर वन माइनस हाफ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर हाफ डी टी, देन माइनस फोर इंटू टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन, तो टी टू द पावर माइनस वन हाफ प्लस वन ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ। दिस इज इक्वल टू, अब टी टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन टी टू द पावर हाफ प्लस वन मतलब टी टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू। अब बार बार यूज कर रहे हैं इसलिए यहां पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे टी टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू, देन माइनस फोर, और ये हाफ को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टू बाई वन इंटू टी टू द पावर हाफ, टी मतलब एक्स प्लस फोर, तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस फोर टू द पावर हाफ, और इंटीग्रेशन तो उठ गया, अब यहां पर हम लोग एक्स सी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट दे देंगे। दिस इज इक्वल टू, आप थ्री बाई टू को ऊपर लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका टू बाई थ्री, और टी का वैल्यू पुट करेंगे तो टी का वैल्यू है आपका एक्स प्लस फोर, तो एक्स प्लस फोर टू दी पावर थ्री बाई टू, देन माइनस फोर इंटू टू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एट, और इंटू में एक्स प्लस फोर टू दी पावर वन बाई टू देन प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर इलेवन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए एक्स क्यूब माइनस वन टू दी पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स टू दी पावर फाइव, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए एक्स क्यूब माइनस वन टू दी पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स टू दी पावर फाइव डीएक्स। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए देखिए मैं एक लाइन सिंप्लीफाई कर लेता हूं। पहले तो यहां पर हम लोग एक्स क्यूब माइनस वन टू दी पावर वन बाई थ्री, इस x टू दी पावर फाइव से यहां पर मैं x क्यूब को यहां पर हटा दूंगा, x क्यूब को हटा दिया, रह गया है क्या, क्या रहेगा x square, तो x square को x square dx को मैंने सेपरेट करके लिख लिया। अभी इसको x क्यूब को क्यों सेपरेट किया, क्योंकि यहां पर x क्यूब माइनस वन, ये जो x क्यूब माइनस वन है इसको हम लोग t नाम देंगे, वहां पर जब डेरिवेटिव करेंगे तो x क्यूब माइनस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहां पर देखिए x square है, थ्री को तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, तो x square यहां पर डेरिवेटिव किसका आ रहा है, x क्यूब का आ रहा है, इसीलिए यहां पर x टू द पावर फाइव से हम लोगों ने x क्यूब को सेपरेट किया और x square को हम लोगों ने dx के साथ एडजस्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट यहां पर हम लोग पुट करेंगे किसको हम लोग t नाम देंगे, t हम लोग x क्यूब माइनस वन को t नाम देंगे, तो पुट t इक्वल टू x क्यूब माइनस वन। अभी बोथ साइड यहां पर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt dx इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन। अभी यहां पर डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ वन हो जाएगा आपका जीरो। तो फाइनली यहां से देखिए, फाइनली यहां से डी टी डी एक्स का वैल्यू आया है आपका थ्री एक्स स्क्वायर। अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन को हम लोगों ने टी नाम दिया है, तो ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स क्यूब, इंटू एक्स क्यूब, देखिए एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं टी प्लस वन, तो ये इंटू में हो जाएगा आपका टी प्लस वन, देन एक्स स्क्वायर डीएक्स, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या हो जाएगा, थ्री को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका वन बाई थ्री डी टी। मेरे ख्याल से इतना तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस वन बाई थ्री को हम लोग यहां पर बाहर लेके आएंगे और अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा आपका टी टू द पावर वन बाई थ्री इंटू टी प्लस वन, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा टी टू द पावर वन बाई थ्री इंटू टी देन प्लस टी टू द पावर वन बाई थ्री इंटू वन, तो ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर वन बाई थ्री और ब्रैकेट देके हम लोग डी टी लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू, अभी यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, अब ये वन बाई थ्री पूरा एक्सप्रेशन के साथ है इसीलिए यहां पर हम लोगों ने डॉट ब्रैकेट दे दिया। अभी यहां पर टी टू द पावर वन बाई थ्री इंटू टी टू द पावर वन, तो लॉ ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा टी टू द पावर वन बाई थ्री प्लस वन,
आप टी टू द पावर 1/3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा टी टू द पावर 4/3। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे टी टू द पावर 4/3 dt, देन प्लस इंटीग्रेशन टी टू द पावर 1/3 dt, दिस इज इक्वल टू, अभी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 टी टू द पावर 4/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर 4/3 का इंटीग्रेशन होगा आपका टी टू द पावर 4/3 + 1 डिवाइडेड बाय 4/3 + 1, देन प्लस टी टू द पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर 1/3 का इंटीग्रेशन होगा आपका टी टू द पावर 1/3 + 1 डिवाइडेड बाय 1/3 + 1, देन ब्रैकेट देके यहां पर इंटीग्रेशन तो उठ गया, तो यहां पर हम लोग प्लस सी दे देंगे। अभी इसको फाइनली हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो 1/3 टी टू द पावर 4/3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर 7/3, टी टू द पावर 7/3 और डिवाइडेड बाय 4/3 + 1, ये भी हो जाएगा आपका 7/3, देन प्लस टी टू द पावर 1/3 + 1, ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 1/3 + 1, ये हो जाएगा आपका 4/3 और ब्रैकेट देके यहां पर हम लोग दे देंगे सी, दिस इज इक्वल टू 1/3। अभी देखिए ये जो टी टू द पावर 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3, तो 7/3 जो नीचे है इसको हम लोग ऊपर में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/7 इंटू में टी टू द पावर 3/7/3, टी मतलब x³-1, तो यहां पर हम लोग वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x³-1 टू द पावर 7/3, देन प्लस 4/3 को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू में टी, टी मतलब x³-1 टू दी पावर 4/3 और ब्रैकेट देखे यहां पर हम लोग प्लस दे देंगे, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर से यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आएगा, तो ये 3 और 1/3 जो है नीचे 3 और ऊपर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहां पर क्या रहेगा, फाइनली रहेगा आपका 1/7 x³-1 टू दी पावर 7/3, देन प्लस 1/4 x³-1 टू द पावर 4/3 देन प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है x² / 2 + 3x³³। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हम लोगों को दिया गया है ऊपर में x² और नीचे दिया गया है आपका 2 + 3x³³ और हम लोग यहां पर dx दे देंगे। अभी इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए ये जो 2 + 3x³ है, इस 2 + 3x³ को t नाम देंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो यहां पर हम लोग नाम देंगे पुट्टी इक्वल टू 2 + 3x³। अभी बोथ साइड यहां पर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका dt/dx और राइट साइड में हो जाएगा आपका ddx ऑफ 2 + 3x³, दिस इज इक्वल टू, अभी डेरिवेटिव ऑफ 2 + 3x³, तो यहां पर हम लोग सेपरेट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 2 हो जाएगा आपका 0, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x³। अब डेरिवेटिव ऑफ 3x³, तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ x³ क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x³ होगा आपका 3x², तो 3x² का 3 × 3 ये हो जाएगा आपका 9 और x³ से यहां पर x² आएगा, तो फाइनली यहां पर आ गया आपका 9x² और 9x² किसका वैल्यू है, ये आपका dt/dx का वैल्यू है। अब यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू x²dx, तो ऊपर में देखिए x²dx, तो यहां पर देखिए x²dx 9 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/9 dt डिवाइडेड बाई इस 2 + 3x³ को हम लोग टी नाम दिया है, तो ये हो जाएगा आपका टी और ये क्यूब है, तो यहां पर हम लोगों ने क्यूब दे दिया। अब 1/9 कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लोगों ने बाहर लेके आ गया, तो अंदर रह रहा है आपका 1/t³ dt, तो 1/t³ ऊपर में जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस टी और dt दे दिया, देन 1/9। अब टी टू द पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस 3 + 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 + 1 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 1/9। अब टी टू द पावर माइनस 3 + 1 ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 3 + 1 ये हो जाएगा आपका माइनस 2 टी टू द पावर माइनस 3 + 1 ये हो जाएगा आपका टी टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू। अब ये माइनस को हम लोग इसके साथ एडजस्ट गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1/18 इंटू टी टू द पावर माइनस 2 मतलब 1/t² प्लस सी, तो फाइनली यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1/18 इंटू 1/t² टी मतलब क्या, देखिए 2 + 3x³, तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे 2 + 3x³
होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 13 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी नाम देंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है 1/x * log x टू द पावर m को हमको इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लॉग एक्स होल टू द पावर m dx। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी नाम देंगे। तो पुट टी इक्वल टू लॉग एक्स, अभी बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डी टी डी एक्स, और राइट साइड में डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा आपका 1/x। अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू, अब डी एक्स इंटू 1 मतलब डी एक्स, डी एक्स बाई एक्स, देखिए यहां पर डी टी डी एक्स का वैल्यू क्या आया है 1/x, तो डी एक्स जब क्रॉस करेंगे तो डी एक्स बाई एक्स क्या होगा डी टी, तो ऊपर में हो जाएगा आपका डी टी, और नीचे log x, log x का वैल्यू क्या है, log x का वैल्यू है आपका t, तो t लिख लिया, और पावर में है आपका m तो m लिख लिया। तो फाइनली ये हो गया आपका dt टी बाई टी टू दावर एम, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई टी टू दावर एम को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका t टू दावर माइनस m इंटू डी टी। अब t टू दावर माइनस m का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t टू दावर माइनस m का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका t टू दावर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस m प्लस 1 प्लस c, दिस इज इक्वल टू, अभी टी का वैल्यू पुट करेंगे, टी मतलब लॉग एक्स, तो फाइनली यहां पर आंसर हो गया आपका लॉग एक्स टू द पावर माइनस एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एम प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है x बाई 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो नंबर 15 में यहां पर हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन x बाई 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर में जो है 9 माइनस 4x स्क्वायर, इस पूरा एक्सप्रेशन को हम लोग t नाम दे देंगे। तो पुट t इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, अभी बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आपका डी टी डी एक्स, और राइट साइड में डी डी एक्स ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 9 क्या हो जाएगा 0, देन माइनस डी डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस, अब 4 कॉन्स्टेंट है तो ये तो बाहर आ गया, रह गया है आपका डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो फाइनली ये वैल्यू आ गया आपका माइनस 8x, और लेफ्ट साइड में हम लोग दे देंगे डी टी डी एक्स। अभी यहां पर आइए, यहां पर देखिए ऊपर में एक्स डी एक्स, तो एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स का वैल्यू यहां से हो जाएगा आपका माइनस 1/8, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे माइनस 1/8, और माइनस 1/8 डी टी आ जाएगा ना, माइनस 1/8 डी टी, और नीचे 9 माइनस 4x स्क्वायर को हम लोगों ने टी नाम दे दिया, तो नीचे हो जाएगा आपका टी। अभी माइनस 1/8 कॉन्स्टेंट है तो यह बाहर आ गया माइनस 1/8, अंदर रह गया है आपका इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/8। अब इंटीग्रेशन डी टी बाई टी क्या होता है, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी होता है आपका लॉग ऑफ मॉडुलस टी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/8 लॉग ऑफ मॉडुलस टी, टी मतलब क्या, टी मतलब है आपका 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ठीक है, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर देन प्लस सी दे दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर 2x प्लस 3 का, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों को दिया गया है इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 dx, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए यहां पर हम लोग ये जो 2x प्लस 3 है इसको, ये जो पावर में 2x प्लस 3 है इसको हम लोग t नाम देंगे। तो यहां पर हम लोग t नाम दे देंगे पुट t इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहां से देखिए डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे तो dt dx क्या हो जाएगा, dt dx हो जाएगा आपका dx ऑफ 2x प्लस 3।
आप सेपरेट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, रह गया है डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, देन प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, 3 कांस्टेंट अल्टीमेटली 0, तो फाइनली यहां पर वैल्यू आ गया है आपका 2, और 2 किसका वैल्यू है, 2 है आपका dt dx का वैल्यू। अभी यहां पर आइए, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 3 मतलब t, तो e टू द पावर t इनटू dx, dx देखिए यहां पर dx का वैल्यू क्या होगा, 2 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका dt by 2, तो ये हो गया आपका dt by 2। अब यह हाफ कांस्टेंट है तो इसको हम लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, अंदर रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt, दिस इज इक्वल टू 1 by 2, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t होता है आपका e टू द पावर t देन प्लस c, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 e टू द पावर t, t मतलब क्या, t मतलब है आपका 2x प्लस 3 प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अभी देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को आगे जाके हम लोग डायरेक्टली करेंगे, आगे जाके कुछ एक्सरसाइज जो आएगा उसमें हम लोग इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का इंटीग्रेशन का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। देखिए मैं फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ mx dx, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर mx dx। देखिए यहां पर आपको इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x पता है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर mx इसको आप x मान ले, तो e टू द पावर mx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर mx, mx हो जाएगा। अभी यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, m है, तो इसको आपको पहले इसको आपको क्या करना है, 1 by that coefficient लिख लेना है, तो 1 by that coefficient मतलब 1 by m, तो ये हो गया आपका e to the power mx का इंटीग्रेशन लिखने का डायरेक्ट प्रोसेस। तो यहां पर अगर mx plus और एक कांस्टेंट दिया जाए, मान लीजिए mx plus 7 दिया गया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, e to the power mx plus 7 दिया गया है लिख लेंगे, और सामने यहां पर 1 by that coefficient मतलब x का कोफिशियंट आपको लिख लेना है। ये कांस्टेंट कोई दिक्कत यहां पर, ये कांस्टेंट से कोई मतलब है नहीं है, हम लोगों को सिर्फ x का कोफिशियंट से मतलब है। मान लीजिए मैं यहां पर और एक क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए आपको लिखना है e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 2x प्लस 5, इसको आपको इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखना है एक लाइन में, तो कैसे करेंगे, इसको आप x मान ले, तो e टू द पावर माइनस 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2x प्लस 5 प्लस दे देंगे, और सामने क्या करना है आपको, x का कोफिशियंट जो है इसको आपको रेसिप्रोकल करके लिखना है, तो 1 by that coefficient मतलब 1 by minus 2, तो ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन लिखने का डायरेक्ट प्रोसेस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है x by e to the power x square, तो चलिए इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x by e to the power x square dx। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग टी नाम देंगे, सो पुट सिर्फ एक्स स्क्वायर को, ई टू द पावर नेक को नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर को, तो पुट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से जब डेरिवेटिव करेंगे तो डी टी डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी डी एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ये आगा आ जाएगा आपका ट्वाइस एक्स। तो लेफ्ट साइड में हम लोग यहां पर इंप्लाइज देके डी टी डी एक्स लिख लेंगे। अभी यहां पर देखिए x dx का वैल्यू क्या होगा, 2 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 by 2 dt, और नीचे देखिए e टू द पावर x स्क्वायर को हम लोगों ने t माना था तो e टू द पावर t हो गया, दिस इज इक्वल टू हाफ कॉन्स्टेंट है तो हाफ बाहर आ गया, अंदर देखिए dt by e टू द पावर t, तो e टू द पावर t ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस t और इंटू में dt, दिस इज इक्वल टू 1 by 2। अभी इसको इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली लिखना है, ठीक है, तो e टू द पावर माइनस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस t, पर यहां पर एक्स्ट्रा काम भी आपको करना है, टी वेरिएबल है, टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन, तो सामने आपको क्या करना है, 1 बाई जेड कोफिशिएंट मतलब 1 बाई माइनस वन और प्लस सी आप दे देंगे, तो फाइनली यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टू ई टू द पावर माइनस टी, टी मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 17 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको और एक आप लाइन, और एक लाइन आप लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को आप नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहां पर आप रख सकते हैं, इसको सिंपलीफाई करके इस लाइन पे भी आप रख सकते हैं। मेरे ख्याल से 17 का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, बाकी जो क्वेश्चन रह गया है उन क्वेश्चन को अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे। इतना तक आपको अगर समझ में आया होगा और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। Thank you friends for watching this video.